नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो NTPC CBT 2 का लेवल 235 का जो आंसर की दिया है, उस आंसर की पर एनालिसिस लेकर आए हैं कि उसका कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि YouTube पर बहुत से कट ऑफ से संबंधित वीडियो बन रहा है और हर बच्चा डर जा रहा है कि इतना हाई कट ऑफ जाएगा। उतना हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि पेपर जो था PT से, ये मेंस वाला पेपर मॉडरेट था। जब पेपर मॉडरेट था, हर किसी को पेपर हार्ड लगा है, तो कट ऑफ कैसे हाई जा सकता है। PT में 20 गुना रिजल्ट दिया था और यहाँ पर टाइपिंग वाला पोस्ट के लिए उस 20 गुना में से 8 गुना फिर रिजल्ट देगा, तो फिर कैसे कट ऑफ हाई जा सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं मुंबई बोर्ड के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि मुंबई बोर्ड का कट ऑफ कितना जा सकता है। जो भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं, अपने भाई के लिए इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखा है NTPC CBT 2 कट ऑफ लेवल 235 मुंबई बोर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है TP। TP का मतलब हो गया टाइपिंग पोस्ट, यानी लेवल 2 में जो टाइपिंग पोस्ट है उसमें 60 से 63 नंबर UR का कट ऑफ जा सकता है, 58 से 60 नंबर OBC का कट ऑफ जा सकता है, 55 से 60 EWS का कट ऑफ जा सकता है, 52 से 54 SC का कट ऑफ जा सकता है और 48 से 50 ST का कट ऑफ जा सकता है। ठीक, इसमें TP का मतलब हो गया कि टाइपिंग पोस्ट के लिए, इसमें जो नॉन टाइपिंग है उसको नहीं बता रहे हैं। और लेवल 3 में सबका सब पोस्ट बिना टाइपिंग वाला, यानी कि नॉन टाइपिंग पोस्ट, NTP का फुल फॉर्म यही हुआ। इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है, 82 से 85 जा सकता है UR का, 79 से 84 जा सकता है OBC का, 72 से 75 EWS का, 72 से 74 SC का और 65 से 68 ST का भी जा सकता है, क्योंकि इसमें मात्र जितना सीट है उतना ही बच्चों को सिलेक्ट करना है। जो कट ऑफ लेवल 2 का जाएगा वही कट ऑफ आपका लेवल 5 का जाएगा, क्योंकि इसमें भी टाइपिंग वाला पोस्ट है, इसमें भी टाइपिंग वाला पोस्ट है, इसमें भी 20 गुना सिलेक्शन हुआ था, इसमें भी 20 गुना सिलेक्शन हुआ था, इसमें से 8 गुना रिजल्ट देगा, इसमें से भी 8 गुना रिजल्ट देगा। इसलिए जो भाई टाइपिंग स्टार्ट नहीं किए हो, वो टाइपिंग हर हाल में स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिजल्ट होने के 10 दिन बाद ही आपको टाइपिंग के लिए बुला लेगा। और आप तैयार नहीं रहिएगा तो टाइपिंग में अधिकतर बच्चा फेल करेगा, क्योंकि बच्चा इसी असमंजस में है कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। चलिए आज के वीडियो में हम यही सब बताएं, अगले वीडियो में इसके बारे में और कुछ बताएंगे। जो भाई चैनल पर नए हैं, अपने भाई के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।